ओके तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस तरह का बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो गाइज, जो कि अभी इंस्टाग्राम के रील्स में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है यार। तो चलते हैं गाइज और सीखते हैं कि इस तरह का वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको चलना गाइज वीटा एप्लीकेशन में एंड आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। सो वीटा एप्लीकेशन को ओपन करना गाइज, उसके बाद क्लिक करना प्लस में न्यू प्रोजेक्ट में, उसके बाद आप गैलरी से अपने वीडियो क्लिप यहाँ पे चूज करना और एड कर लेना आपको जो भी वीडियो एडिट करना होगा उसको। ओके सो इस तरह से अपने वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद आपको चलना उस वाले पोजीशन में गाइस जहाँ पर भी आपको इफेक्ट लगाना होगा। तो जैसे मुझे इन में लगाना, यहाँ पे लगाना, ओके तो सिंपली इस तरह से आपको आ जाना। उसके बाद आपको बैक आ जाना, ओके मतलब वीडियो में सेलेक्टमेंट करना, आपको बैक करना। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पे इफेक्ट का, ओके तो सिंपली इसमें क्लिक करना इफेक्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है इफेक्ट का एंड सेकेंड है फेस का, फेस इफेक्ट का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना इफेक्ट में, इसमें क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर नीचे बहुत सारे आपको इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो ऊपर मैं स्क्रॉल करना गाइस एंड आपको आना है मोशन वाला इफेक्ट में, यहाँ पे आ जाना मोशन वाले ऑप्शन में। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहे होंगे, बहुत सारा से एक इफेक्ट है एंड अलग अलग टाइप के मोशन इफेक्ट हैं। तो ऊपर मैं जाना गाइस एंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेकिंग थ्री का, तो क्लिक करना सेकिंग थ्री में। और जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो जो आपका इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा, तो सिंपली इसमें आप डन कर देना। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि आपका जो इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है, तो एक बार देख लो कि कैसा लगा है। कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे लग जाएगा, बाकी इसको आप बढ़ा सकते हो, इसका जो लेंथ है घाटा बढ़ा सकते हो, जितना आपको रखना होगा उतना रख सकते हो। तो मैं बस इतना ही रखता हूँ, बाकी इसका जो इफेक्ट है मतलब अगर आप चाहते हो कि कुछ ज़्यादा ही सेक हो एंड ज़्यादा ही बैकग्राउंड में स्क्रॉल हो, तो उसके लिए आप क्लिक करना एडिट में। उसमें क्लिक करने के बाद क्लिक करना एडिट में, उसके बाद आपका मतलब तीन चार और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि स्पीड हो गया एंड इंटेंसिटी हो गया। मेरे में शो नहीं करा वो ऑप्शन, बट आप में शो करेगा। तो सिंपली से इफेक्ट में क्लिक करके और जितना भी ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीड वगैरह का एंड इंटेंसिटी वगैरह